नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल देखो. सबसे पहले जो हमने दो फॉर्मूलास किए मैंने ऊपर लिख दिए कि एक्सियल लाइन पे ये फॉर्मूला लगेगा 2p/r³ और इक्वेटोरियल पे सिर्फ p/r³. डन, यहां तक क्लियर है. क्वेश्चन है टू चार्जेस 20 एंड -20 माइक्रो कूलम आर हेल्ड एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट. तो 20 और -20 माइक्रो कूलम आर हेल्ड कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अपार्ट. देखते ही पता लगता है 20 एंड -20 का मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहे हैं, क्योंकि अगर ये अनइक्वल चार्जेस होते फिर डायपोल ना बनता. इक्वल एंड ऑपोजिट है तो ये डायपोल बनेगा. तो ये डायपोल बन गया इसमें +20 एंड -20 का, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर. तो सेपरेशन के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, 2a. दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस a नहीं होता, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 2a. तो इस केस में a की वैल्यू क्या आएगी, 0.5 सेंटीमीटर. क्या स्टेप क्लियर है, 2a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 0.5 है. तो मेरे ख्याल से डायग्राम में समझ भी आ रहा है a की वैल्यू 0.5 है. उसने कहा कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड e निकालो, कहां पे, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर. इक्वेटोरियल लाइन का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, ये रही. कितने सेंटीमीटर ऊपर, 50 सेंटीमीटर ऊपर e की वैल्यू आपको निकालनी है. ये स्पेस खाली क्यों है, क्योंकि आपको निकालनी है. करो, वेरीफाई करो. ठीक, तो देखो जिन्होंने सॉल्व किया, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला इज 1/4π ε₀ p/r³. इस क्वेश्चन में p क्या होता है, q इंटू 2a. p इज इक्वल टू चार्ज का कोई मैग्नीट्यूड बोलो, 20 × 10⁻⁶. तो इसमें मैग्नीट्यूड लेना है, और 2a मैंने बता दिया कितना, 1 सेंटीमीटर, 1 × 10⁻². मीटर, आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे. तो p की वैल्यू ये पुट करेंगे, और r की वैल्यू बोलो क्या पुट करेंगे, 50 सेंटीमीटर है. तो इसको 10⁻²² करके किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर. क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें. तो एक मीटर और इसमें मीटर और ये इस वैल्यूज को पुट करना और आंसर निकाल लो, आंसर आ जाएगा. आ गया कितने आंसर आ गया, ये आ गया. ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे, बंदा क्लियर है. पी क्या होता है, क्यू इंटू 2a. क्यू कितना है, 20 माइक्रो कूलम. 2a कितना है, 1 सेंटीमीटर.
यहां पुट कर लोगे, ये देखो e इक्वेटोरियल फिर क्या आएगा 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, p की जगह क्या पुट करेंगे 20 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 इंटू 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, और r की जगह 50 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 का होल क्यूब। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, टू चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रो कूलम बट ऑपोजिट साइन। करेक्शन करो प्लीज, यहां पर एक प्लस और एक माइनस करो प्लीज, मैंने गलती से दोनों प्लस ले लिए, एक प्लस और एक माइनस, इक्वल एंड ऑपोजिट बोला उसने, तो इससे पता लगता है ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल ना होता फिर तो मेरे को वही रूल लगाना पड़ना था कि प्लस वन रखो फिर रिपल्शन अट्रैक्शन देखो, तो प्लस वन और माइनस वन माइक्रो कूलम चार्ज है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। तो इस केस में ये इसकी एक्सियल लाइन है, सारे डिस्टेंसेस डायपोल के कहां से मेजर किए जाते हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर ई की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो प्लस वन रखो रिपल्शन अट्रैक्शन देखो, या फिर क्योंकि ये एक्सियल लाइन है तो एक्सियल लाइन के अंदर, ये एक्सियल लाइन में एक्सियल लाइन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर 2a की वैल्यू किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर या फिर 1 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 2 मीटर। क्या ये स्टेप क्लियर है मनप्रीत, क्लियर है? ठीक है, यहां तक 2a गिवन है। नेक्स्ट है, आपको इस क्वेश्चन में चार्ज भी गिवन है, तो P की वैल्यू तो आई जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू 2A, तो P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इसके इक्वल है, और 2A इज 1 इनटू 10 इज टू पावर माइनस 2, तो Q इनटू 2A से पहले P आ गया। हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, E एक्सीएल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³ फॉर्मूला होता है, और R का मतलब डिस्टेंस कहां से लेते हैं, फ्रॉम सेंटर, जो कि कितना गिवन है 10। ठीक है यहां तक, तो यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं 9 इंटू 10 इज टू पावर 9 इंटू 2, पी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं दैट इज 1 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 6 इंटू 1 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 2 बाय आर की वैल्यू सेंटीमीटर में है, पहले से मीटर में कन्वर्ट करो होल क्यूब। आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या करना है, ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल के बेसिक प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। ठीक, और सबसे कमाल की चीज, अगर ये न्यूमेरिकल आया वो बिल्कुल नहीं बोलेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, आप पहचान जाओगे एक्सियल इक्वेटोरियल है, बस वो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज बोल के छोड़ देगा। जिसको तो याद आ गया एक्सियल इक्वेटोरियल वो तो फटाफट फॉर्मूला लगा लेगा, जिसको याद नहीं आता तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो एक काम करें, जहां ई निकालना है प्लस वन रखे, ये माइनस इसे अट्रैक्ट करेगा प्लस इसे रिपेल करेगा, दोनों चार्जेस का ई निकाल ले और फिर दोनों को माइनस करे, मतलब एक तरीके से डेरिवेशन फिर से करनी पड़ेगी उसे, कोई बात नहीं क्वेश्चन तो हो ही जाएगा फिर भी। ठीक, बस फॉर्मूले में ये फायदा है कि जल्दी हो जाएगा, उसमें फिर माइनस करके आपको एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा, बट ये स्टेप क्लियर है कैसे करना है इसे सॉल्व, कोई डाउट इसमें? एक और लेट कर देते हैं यार, ए होता ही कितना है 0.05 का मीटर में कन्वर्ट करो 0.0005 आ जाएगा, स्क्वायर कौन करेगा डिनोमिनेटर में, फायदा ही नहीं, आंसर कर ले सेम ही आएगा, इतना फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, ध्यान से देखना प्लीज। सपोज करो आपको किसी प्रॉब्लम में ये गिवन है कि एक चार्ज पार्टिकल क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए मैंने क्या किया, दो प्लेट्स ले ली, एक ये प्लेट एक ये प्लेट, अपने मन से ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, एक प्लेट को पॉजिटिव एक प्लेट को नेगेटिव, और ये समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो लाइंस ऊपर जाएंगी, समझ में आ रहा है क्यों? उसने कहा या कोई भी क्वेश्चन में कहा जाएगा कि एक चार्ज पार्टिकल हवा में रेस्ट पे आ गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे। मिलिकन एक साइंटिस्ट था
जिसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, उसने एक ऑयल का ड्रॉप लिया, उस ऑयल के ड्रॉप को हवा में उसने रोक के दिखा दिया, वो नीचे नहीं गिरा, जबकि वो नीचे गिर जाना चाहिए था बिकॉज ऑफ इट्स वेट। उसने क्या किया, उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर दिया पॉजिटिव, कुछ ऐसे पॉजिटिव। उसका वेट ऑयल का उससे नीचे गिर रहा था एम जी, पर क्योंकि उसे पता था कि ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पड़ा हुआ है विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और फोर्स की वैल्यू ई की फॉर्म में क्या होती है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। वो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ लगेगी, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल या माइनस अट्रैक्ट, तो ऑब्वियसली फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर रिपल्सिव। और वैसे भी पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होता है, इंपॉर्टेंट टर्म बोल रहा हूँ, बहुत बार यूज करूंगा आज, पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नेगेटिव चार्ज अगर यहां पड़ा होता माइनस तो वो अट्रैक्शन फील करता नीचे, तो वो कहां आता, नीचे, तो उसकी मोशन कहां पर हो जाती, नीचे। रिजल्ट सुन लो, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज कैसे मूव करेगा, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को मैं कम से कम नहीं तो 5 या 6 बार इस लेक्चर में रिपीट करूंगा, ठीक, करना पड़ेगा, मैं रोज नहीं करना चाहता एक महीना, इसलिए क्योंकि फटाफट आप फिर वेक्टर फटाफट ड्रॉ करोगे। पर क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, अब सोचना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का है ऊपर तो फोर्स एक्सपीरियंस ऊपर, तो अगर आप चाहते हो कि ये चार्ज पार्टिकल हवा में रेस्ट पे रह जाए तो नीचे की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्स, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, एम जी इज इक्वल टू क्यू। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में ये रिजल्ट लगेगा, एम जी को कौन बैलेंस करेगा, क्यू, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन है, ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन था, तो क्वेश्चन के अंदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन, पर मैंने जब ये डायग्राम बनाया मैं भूल गया कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन का मतलब फालतू इलेक्ट्रॉन है, फालतू का मतलब चार्ज क्या आएगा ऑयल के ऊपर, नेगेटिव, पर मैंने इसको पॉजिटिव के साथ सॉल्व कर दिया, तो प्लीज आप लिख लेना एक्सेस काट के डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन लिख लो, 12 की कमी है, अब क्या ही कर सकते हैं, सॉल्यूशन कौन चेंज करेगा, तो प्लीज यहां लिख लेना, क्योंकि अगर एक्सेस होता तो मुझे ना फील्ड उल्टा करना पड़ता, ये माइनस और ये, अब डायग्राम चेंज क्यों करवाऊंगा, आप प्लीज उसमें डेफिशिएंट कर लो, इसका मतलब उसके पास डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी का मतलब कौन सा चार्ज है, प्लस, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है वो अलग बात है, मैंने मॉडिफाई किया, तो डेफिशिएंट का मतलब ये चार्ज है, और कितना डेफिशिएंट है, 12 इलेक्ट्रॉन, तो क्वांटाइजेशन याद है, यानी कि किसी ने इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 12, तो क्यू इज इक्वल टू, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस 12 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, e की जगह 10^-19, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही होता है, तो 12 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल है, तो q की वैल्यू हमें यहां पर पता लग चुकी है। वो ये कह रहा है कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में से रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मन में एज्यूम कर लिया मैंने ऊपर की तरफ, वो इसलिए मुझे कैसे, देखो क्वेश्चन में ये ना फील्ड्स गिवन नहीं होते, ये मैं खुद ड्रॉ करता हूं, कैसे, मुझे मालूम था कि ये प्लस चार्ज है, ये नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसका वेट नीचे गिरेगा तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड कहां होनी चाहिए, ऊपर, तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और फोर्स एक्सपीरियंस ऊपर कर रहा है, समझो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऊपर की तरफ फोर्स है, अगर ये रेस्ट पे रहना रखना चाहते हो तो क्यू इज इक्वल टू एम जी, डेंसिटी ऑयल की गिवन है, रेडियस निकालना है, तो ये एक्सपेरिमेंट मिलिकन ने किया, तो एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये रेस्ट पे है, क्यू इज इक्वल टू एम जी, मास क्या होगा स्फेयर का, इस ड्रॉप का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, चार्ज क्या पुट किया हमने, 12 इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे गिवन है 4/3 पाई पता है, आर मुझे निकालना है, डेंसिटी मुझे गिवन है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में,
मैं ग्राम को कन्वर्ट कर लूंगा 10^-3 लगा के केजी, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, ये वैल्यू आ गई। तो केजी पर इसमें मीटर क्यूब में आ गया। एसआई में पुट करूंगा डेंसिटी, जी ज्यादा ही है 10 पुट कर लेना, मैंने 9.8 लिख दिया क्योंकि मैंने कौन सा सॉल्व करना था, तो ऑब्वियसली मैंने फटाफट लगा के उस सॉल्व किया। आपको सॉल्व करना है तो आप 10 लगा सकते हो, कोई दिक्कत है, आपको तो करना पड़ेगा ना, तो 10 लगा सकते हो, इजी हो जाएगा। आर क्यूब की वैल्यू आ गई, मैं क्यूब रूट नहीं जानता, बिना कैलकुलेटर के या बिना टेबल के मैंने ऐसे छोड़ दिया, ये आर की वैल्यू आ गई। अभी नहीं जानते तो ऐसे छोड़ दिया मैंने, आर की वैल्यू आएगी, बट ऐसा न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, आर क्यूब रूट में नहीं छोड़ेगा वो। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे उसने आर की वैल्यू को निकाला, कैसे वो रेस्ट पे रखता है एक ऑयल के ड्रॉप को, और वो नीचे क्यों नहीं गिरता? कोई डाउट किसी को इसमें? तो आज के बाद जो भी चीजें रेस्ट पे होंगी हवा में वो हो जाएंगी सॉल्व। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ना प्लीज एक बार, अटेंडेंस का है, हो गई अटेंडेंस सबकी? नहीं हुई, आगे नहीं हुई, लेके आ इधर से पूछ ले। देखो तो एक पेंडुलम है और जिसके ऊपर 80 मिलीग्राम चार्ज है, कल पढ़ लिया यार, प्रॉफिट कर अटेंडेंस ले पहले, तो यार दिमाग उधर चल रहा है। फिर से, एक पेंडुलम है जिसका मास 80 मिलीग्राम है, कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2×10^-8 कूलम, इतना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, रेस्ट पे है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब सबसे पहली चीज माइंड में आती है कि पेंडुलम है, ठीक है पेंडुलम है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो कितने लोग एग्री करते हैं कि इसकी जो पोजीशन होगी बस वो ऐसे भी हो सकती है, ये पॉजिटिव चार्ज है और मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इस तरफ, तो कितने लोग एग्री करते हैं ऐसे लटका रहेगा? नहीं। और कितने कहते हैं कि राइट जाएगा, वैसे लटका क्यों रहेगा, मास बहुत भारी होगा ये तो नहीं कहोगे, तो उससे क्या हुआ? 90 डिग्री पे अगर कोई पेंडुलम होता है तो मैंने तो नहीं कहा चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है इट विल एक्सपीरियंस करेगा, मैंने नहीं इसे ऐसे खींचा तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ने खींच दिया, फोर्स एक्सपीरियंस क्या होगा? क्यू टाइम्स। अगर आप खींचोगे तो भी मेरी तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो मेरी तरफ मूव करेगा, मूव करेगा तो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इसकी बजाय यहां पे कहीं पे ऐसे, ठीक, और वो कह रहा है यहां पर आके वो रुक गया। अब ये थोड़ा ना खींच खींच के ऊपर ले जाएगा, तो इतना गया कि बस हल्का सा डिस्प्लेस हुआ और वहीं पर रेस्ट पे रह गया बस। तो सबसे पहला पॉइंट ये समझ में आता है कि ये मूव करेगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, सॉरी ये इस पोजीशन पे नहीं रहेगा, ये मूव करेगा। तो मैंने इसको अपने डायग्राम में ऐसे समझाया कि सपोज, लेट अस सपोज आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो इसमें ना गिवन नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आपको होगी डायग्राम बना के दिखाओ, नहीं वो डायग्राम देगा ही नहीं आपको पेंडुलम का, आपको खुद यही तो सीखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी अज्यूम कर लो, राइट कर लो, लेफ्ट कर लो, जहां मर्जी कर लो, अपने मन में मानो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं इस तरफ और ये क्या है इधर, कहीं ना कहीं किसी ने पॉजिटिव प्लेट रखी होगी और किसी ना किसी ने
तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव रहा होगा, बता नहीं रहा, अपने मन में ज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है यहां तक। फिर किसी ने यहां पर एक पेंडुलम लिया होगा, ये रहा पेंडुलम, जिसके ऊपर कितना चार्ज है, क्यू पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, मेरी तरफ है, मेरी तरफ है, इस तरफ है, और कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई चेंज ही नहीं हो रहा, हर तरफ सेम वैल्यू दे रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स क्यू ई मेरी तरफ, राइट। तो वो कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया साइड पे कुछ यहां पे आके, क्योंकि ये इस तरफ क्यों आया, क्योंकि फोर्स क्या लग रही है, क्यू ई, ठीक, रुक गया। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं फोर्स के अंदर, थीटा, यहां पे क्या जाती है, टेंशन टी, और इसका वेट कितना है, एम जी। अब आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन, इसमें मैंने बाहर प्लेट्स नहीं बनाई, बस अदरवाइज सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। किसी ने ई लगाया, क्यू ई लगा, एम जी लगा, टी लगा, थीटा थीटा ऑल्टरनेट, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, क्लियर है यहां तक। ये इक्विलिब्रियम में, तो इक्वेशन क्या बनेगी, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई। ऐसे क्वेश्चन फोर्स के अंदर भी किए थे, बस फर्क ये है फोर्स की वैल्यू आती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 / R², क्योंकि दो चार्जेस थे, इसमें कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, E की फॉर्म में फोर्स निकलनी स्टार्ट हो गई बस। तो ये दो इक्वेशंस हो गई, इन्हें डिवाइड कर लें, साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा क्यू बाई एम जी। क्यू की वैल्यू इसमें कितनी है, क्यू की वैल्यू है 2 × 10⁻⁸। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, एम की वैल्यू कितनी है, मास कितना है इसमें, 80 मिलीग्राम, 80 × 10⁻³ kg, और जी की वैल्यू कितनी है, 9.8। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा से क्वेश्चन में निकालना है कि एंगल कितना है इक्विलिब्रियम में, तो थीटा इज टेन इनवर्स 0.5102, कितना आएगा, 27। ओ हाँ हाँ ठीक है, मिलीग्राम है, एक और 10⁻³ लगेगा, 10⁻³ मिली है ना, वो ग्राम से केजी है, तो 10⁻³ एक और लगाओ, यहाँ पे लगाना भूल गया मैं, 10⁻⁶ कर लो, इसका मतलब मिलीग्राम कोई जी, मिली के लिए 10⁻³ ग्राम, ग्राम से फिर केजी, दो बार आएगा ना, 10⁻³ 10⁻³, राइट सही है, क्या पॉइंट क्लियर है। और क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में टी भी निकालना है, तो पहली क्वेश्चन में टी की थीटा को 27 पुट कर दो, तो ये लो, आप थीटा को 27 पुट करोगे, टी साइन 27 एम इंटू जी, यहाँ भी प्लीज चेंज करना, एक बार फिर लगाना 10⁻⁶ लगा लेना, सॉल्व करके फिर टेंशन निकाल लेना, जो भी आएगा निकाल लेना आंसर, या उसी को ग्राम ही कर लो, इससे अच्छा तो यार सॉल्यूशन क्या चेंज करना, एक ही बात है, वो ज़्यादा बेटर था। चलो कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बस ये देख लो ग्राम और मिलीग्राम आप खुद कर लेना, कोई डाउट इसमें, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन आपने मुझे करके दिखाना है, दो पॉइंट चार्जेस हैं, समझ लो, दो गिवन है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर गिवन है। आपको मुझे ये बताना है कि मैं इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट कहां मिलेगा मुझे, मान लो एक्स डिस्टेंस में मिलेगा, जहां पर नेट ई जीरो आ जाए। अब जहां ई निकालना है वहां चार्ज क्या रखना है, +1। कोई स्टूडेंट दूसरे बैच में कहता है सर ये तो एक्सियल लाइन है, भाई ये डायपोल है ही नहीं, ये तो वैसे ही ई का प्रॉब्लम है, डायपोल होगा तो फॉर्मूले लगेंगे, डायपोल नहीं होगा तो बस नॉर्मल +1 लगाओ, करो वेक्टर ड्रॉ करो, ये प्लस इसे रिपेल करेगा, ये प्लस इसे रिपेल करेगा, और नेट ई क्या आना चाहिए, जीरो। जीरो कब आएगा, जब लेफ्ट का ई और राइट का ई की वैल्यू एग्जैक्टली सेम, इक्वेट करो, ट्राई करो,
देखो इस ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम फोर्स में बहुत हमने क्वेश्चंस किए जहां पर इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन था. इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो. तो हमने इसको ऐसे किया कि ये 5 × 10⁻¹⁹ और 20 × 10⁻¹⁹ और ये वो पॉइंट है जहां पर मुझे ई निकालना है और नेट ई क्या आना चाहिए, जीरो. अब ये अगर x है, ये 2 − x है, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा. e कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 5 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा. e विल बी इक्वल टू 20 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय 2 − x का स्क्वायर. तो अगर आप चाहते हो नेट e क्या हो जाए, जीरो, तो 1/4πε₀ 20 × 10⁻¹⁹ 2 − x का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1/4πε₀ 5 × 10⁻¹⁹ बाय x स्क्वायर. ये कैंसल हो गया, 5 और ये 4 हो गया, तो 4 2 − x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x का स्क्वायर. अंडर रूट लो, x निकालो, आंसर आएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्वेश्चन को कैसे करना, नेट ई जीरो, कोई डाउट इसमें? ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल आएगा. आ गया तो लग गया फॉर्मूला, नहीं लगा तो प्लस वन वाला तो लगेगा ही लगेगा. अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मैं इस क्वाइन में से निकालूं? जब मैं इस क्वाइन में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालूंगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव. तो मैंने अगर इसमें से एन इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, n इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो चार्ज q किसके इक्वल होगा, प्लस n. क्वांटाइजेशन यही बोलता है कि जो चार्ज की वैल्यू है वो किसके साथ मैच करेगी, q इज इक्वल टू n. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और मेरे को इस क्वाइन को मास गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेशनरी रखना है. कौन घेरेगा इसे, mg. और अब तो आपको पता लग गया होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर होना ही पड़ेगा ताकि फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ही ऊपर लगे. फोर्स ऊपर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगना चाहिए, ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहां फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो डायग्राम मैंने खुद अपने मन से बनाया. तो एम जी इज इक्वल टू, इसमें करो एम जी इज इक्वल टू क्या करेंगे, क्यू ई, या m into g is equal to q की जगह क्या पुट करेंगे, n e. e का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सॉल्व करो और n निकालो, इसके अंदर क्या आ रहा है, 9.8 × 10⁻¹⁷ ऐसे ही कुछ, 10⁸. अच्छा, और करने दो एक बार ट्राई, तो कर लो जरा ट्राई, यही है, 10⁷ आ रही है, 9.8 और 10 का, पर क्या फर्क है, एक जीरो का थोड़ा फर्क पड़ जाएगा उसमें. अच्छा, 10 से वो कट गया, ओके ओके, ठीक है ठीक है, पॉइंट क्लियर है. लेकिन कैसे करने है, कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, लो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो. तीन क्वेश्चन है, चार्जेस है 10⁻¹⁸, चार्जेस है 10⁻¹⁹. तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बन रहा है. डिस्टेंसेस गिवन है आपको, पी पे, क्यू पे एंड सी पे ई निकालना है. सॉल्व करो, तीन पॉइंट्स पर ई निकालना है.
देखो क्वेश्चन इज कि सबसे पहले 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम एंड माइनस 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम चार्जेस हैं और पी के ऊपर मुझे क्या निकालना है, ये 0.05 मीटर है, ये भी 0.05 मीटर है, मुझे पी पॉइंट के ऊपर ई निकालना है। जिन लोगों को न्यूमेरिकल करते हुए याद नहीं रहा कि ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो लोग यहां पर क्या रखेंगे, प्लस वन, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10^-8 बाय, ये लो ये आंसर इसका, और ये माइनस इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, और फॉर्मूला विल रिमेन सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन तो लेते ही नहीं, बाय 0.05 का होल स्क्वायर, और नेट वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को क्या कर देना है, एड आंसर। कितने लोगों ने ऐसे किया, कितने लोगों ने डायपोल का फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगाते लगाते उन्होंने स्मॉल आर को जीरो पुट किया, नहीं फिर स्मॉल आर क्या पुट किया, एक्सीएल का फॉर्मूला। देखो ये क्लोज करूं, ये तो सही है सिस्टम, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, ऐड कर लेंगे आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, इसको क्लोज करूं मेथड वन को। प्रॉब्लम ये है जो लोग डायपोल के साथ करना चाहते हैं कि उनको पता लग चुका है कि ये डायपोल है और पता लगे कि उससे भी आंसर गलत आ गया, जो आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। देखो कैसे, दूसरे बैच में एक स्टूडेंट ने कहा कि देखो सर ये एक्सियल लाइन पे लाई करता है, मैंने कहा हाँ एक्सियल लाइन है, तो कहता देखो मैंने एक्सियल लाइन का फॉर्मूला पुट कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³, राइट, मैंने कहा सही किया, तो वो कहते हैं कि मुझे जहां ई निकालना है उसका डिस्टेंस सेंटर से लिया जाता है, हाँ मैंने कहा ठीक है, तो कहते हैं मेरे को तो सेंटर पे ही निकालना है डायपोल के, तो स्मॉल आर तो जीरो हो गया, और जब मैं स्मॉल आर को यहां जीरो पुट करता हूं ये तो डिफाइंड ही नहीं होता, डिनोमिनेटर में मैथ्स में जीरो थोड़े ना रखोगे, अब ये तो कहता गलत हो गया, वो शॉर्ट डायपोल है, आप इस केस में जब सेंटर के ऊपर ई निकालना है डायपोल में आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते, शॉर्टकट तो तब लगाओगे जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन ए, यहां तो स्मॉल आर ही जीरो है, शॉर्टकट कहां से लगा लोगे, फॉर्मूला भी वैलिड नहीं है। पॉइंट समझ में आया, ये फॉर्मूला कब लगता है, जब छोटा आर ग्रेटर देन ए है, यहां तो छोटा आर है ही नहीं, जीरो ही है, तो ग्रेटर कहां से हो जाएगा ए से, ये तो शॉर्टकट है ना, तो ये फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल नहीं है, जो लगाना चाहते हैं वो ए वाला फॉर्मूला लगाएं फिर पूरे डायपोल का, जो हमने डराइव किया था r² - a² raised to power वो जो किया था, तो उसमें ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उससे बेटर है कि प्लस वन वाला ही कर दें, ज्यादा बेटर है, काम ही खत्म करें, हाँ वो कर सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है वो फॉर्मूला कहां चलेगा कहां नहीं चलेगा। क्या ये पॉइंट नंबर वन क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें, प्रेरक क्लियर है, ओके पहला मेथड शायद ज्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। फिर क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में मेरे को फिर से यही गिवन है, 10^-8 कूलम माइनस 10^-8 कूलम एंड 0.05 एंड सिमिलरली 0.05 में ये एक पॉइंट है जहां पर मुझे ई निकालना है, राइट, तो मैं चार्ज क्या रखूंगा, प्लस वन, मतलब अगर मेरी तरह आप फॉर्मूला भूल गए तो प्लस वन रख लो, प्लस वन रखोगे तो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज इसे क्या करेगा, रिपेल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस डिवाइडेड बाय 0.5 का होल स्क्वायर, बात नहीं करो प्लीज, क्लियर, रिपल्शन हो गई, और ये नेगेटिव चार्ज इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10^-8 का मैग्नीट्यूड 0.05 × 3 का स्क्वायर, क्योंकि दिस प्लस दिस प्लस दिस 3 गुना हो गया टोटल डिस्टेंस, फिर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस। कोई स्टूडेंट बोला सर ई एक्सेल का फॉर्मूला यूज कर लूं, कर सकता है, ई एक्सेल इसमें लगेगा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा, पर ए वाला फॉर्मूला यूज करना, बिकॉज इसमें ए और आर बहुत बड़े छोटे नहीं है, बाकी कुछ भी कर लो चल तो जाएगा ही, मेरे हिसाब से यही ठीक है, प्लस वन रखो और डन करो, बड़े में से छोटा माइनस ही करो, ठीक।
डाउट है वंदना? डाउट है? ठीक है, प्लस वन वाला मेथड ज्यादा बेटर है, जहां ही निकालना है प्लस वन रख दो, आस पड़ोस के चार्ज के वेक्टर ड्रॉ करो, बड़े में छोटा माइनस कर दो, ठीक है? ओके, साइलेंस प्लीज, बात बंद, बहुत डिस्कशन हो गई, रिलैक्स। और जो लास्ट है, लास्ट में मुझे लगता है कि फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि लास्ट के अंदर 10 की पावर माइनस 8 कूलम और ये माइनस 10 की पावर माइनस 8 कूलम और ये 0.05, ये 0.05 और ये जो डिस्टेंस है ये मुझे निकालना पड़ेगा, शायद मैंने इसमें किया हुआ है, ये रहा, ये ज्यादा बेटर है, देखो डायग्राम बनाई हुआ है इसमें। तो इसके अंदर मुझे यहां पर आर डिस्टेंस पे मैंने पाइथागोरस से निकाल लिया, आर डिस्टेंस पे मुझे ई निकालना है, पहला मेथड प्लस वन रखो, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस पूरी डेरिवेशन करनी पड़ेगी, ई ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, बेटर यही है कि डायपोल है, ये डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो कौन सी लाइन है? इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगाओ, काम ही खत्म करो, सबसे बेस्ट है, ये ज्यादा बेटर रहेगा, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगा लेना, आप पी तो निकाल ही लोगे, क्यू इंटू टू ए, और इसमें टू ए की वैल्यू कितनी है, इन दोनों का सम टू ए, कर लोगे सॉल्व, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगाना, Q पता है 2a 2e cos थीटा, हाँ वैसे डेरिवेशन है ये, इक्वेटोरियल की डेरिवेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो 2e cos थीटा वाली, वैसे करना चाहो वैसे कर लो, मेरे हिसाब से फॉर्मूला लगाओगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पॉइंट चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि e की वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें, कोई डाउट इसमें? देखो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम आएगी आपको इसमें, ध्यान आगे प्लीज, नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रॉन गिर गया 4 सेंटीमीटर नीचे गिर गया, इलेक्ट्रॉन 4 सेंटीमीटर नीचे गिर गया, मुझे ये लाइन सुनते ही लगा कि शायद अपने वेट की वजह से नीचे गिर गया, लिख लेना वेट निगलेक्टेड है प्लीज, ठीक, मास तो लेना है पर वेट का प्लीज फैक्टर मत लेना, वेट से नहीं गिरा, एक्चुअल में क्या हुआ, किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, जैसे मैंने अपने मन में एक डायग्राम सोचा और मैंने बनाया, कैसे मैंने सोच लिया ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसने प्लेट्स लगाई होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया होगा ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रॉन को रख दिया यहां पे रेस्ट पे, रेस्ट पे इलेक्ट्रॉन रखते ही ये नीचे गिर गया, वेट की वजह से नहीं, मैं फिर कह रहा हूं क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कहां, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्कस किया था पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स एक्सपीरियंस करता है और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट करता है, तो ये नीचे गिर गया ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यों गिरा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स, मैग्नीट्यूड फोर्स का क्या होता है, क्यू इंटू ई, क्लियर है यहां तक, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई बाय मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे मैग्नीट्यूड पता है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में पता है, मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9 × 10⁻³, तो मैंने क्या निकाल ली, एक्सेलरेशन, करेक्शन होगा ये 15 नहीं आएगा शायद 8 आएगा, चेक करना जरा, 31 ऊपर जाएगा, सॉल्व करके बताओ कितने जीरो आएंगी, 15 नहीं आएंगी, करेक्शन करना 8 आएंगी, कितनी आएंगी, 8 आएंगी, करेक्शन कर लो प्लीज, 15 नहीं आएगा 8 आएगा, फिर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्यू ई बाय एम से कांस्टेंट ही होगी, ई कांस्टेंट है ना, वो प्रैक्टिकल नहीं ना, वो तो फिर कोई गाड़ी भी नहीं चलेगी ऐसे काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली इंटेंशन नहीं बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन ये जनरेट हो जाएगी, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सुन लो एक बार, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकाल लो, निकल गई, 4 सेंटीमीटर नीचे गिरा, कितने टाइम में नीचे गिरेगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में u जीरो रेस्ट से चला था और s कितने 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, एक्सेलरेशन 8 फुट कर लेना यहां पर, एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर, टाइम कैन बी कैलकुलेटेड,
ठीक है यहां तक। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन जनरेट करवा के हम अपने काइनेमेटिक्स लगा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यही क्वेश्चन रिपीट हुआ, अब वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, ऊपर पहले ऊपर था अब नीचे, तो यानी कि ऊपर वाली प्लेट किसी ने पॉजिटिव नीचे नेगेटिव कर दी और प्रोटॉन को घेर दिया। अब ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएगा, अगर वो ना चेंज करता इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोटॉन कहां चला जाता, ऊपर। उसने कहा फॉल हुआ, नीचे गिरा। तो ये लॉजिक समझ में आया कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसने चेंज की। क्वेश्चन सेम है, एक्सेलरेशन निकालो और टाइम निकालो 4 सेंटीमीटर नीचे गिरने का, ऊपर वाली प्रॉब्लम और इसमें कोई फर्क नहीं, एक जगह फर्क है, बोलो क्या? मास। पहला स्टेप ऊपर और नीचे में सेम रहेगा, ये वाला यहां तक सेम है, चार्ज सेम है, ई सेम है, मास चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन चेंज होगी। पहला स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है ना। दूसरा, इस स्टेप के अंदर भी 4 सेंटीमीटर सेम है, एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो टाइम अपने आप ही डिफरेंट आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है यहां पर कि क्या डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में? सिर्फ मास का डिफरेंस होगा। दिमाग डाउट है इसमें? समझ में आ रहा है, क्लियर यहां तक? तो कुछ नहीं करना, बस इस पूरे कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक चीज बताई है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स QE, और उसको अगर मास से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन। बस ठीक।